भी है इंतजार फिल्म फाइटर का। क्या है ऋतिक के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? किस मूवी से कर रही है दीपिका छपाक के बाद कमबैक? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पलक गुप्ता। आप सबका स्वागत है बॉलीवुड स्टूडियोज में। आज हम बात करेंगे सिद्धार्थ आनंद की अपकमिंग फिल्म फाइटर के स्टार कास्ट से जुड़ी कुछ प्रोफेशनल बातें। एक्टर ऋतिक रोशन ने अपने बर्थडे के दिन अपनी अपकमिंग मूवी फाइटर की अनाउंसमेंट उसके टीजर के साथ करी थी, जिसके बाद से यह फिल्म मोस्ट अवेटेड की लिस्ट में शामिल हो गई है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि फिल्म में पहली बार ऋतिक के साथ दीपिका पादुकोण नजर आने वाली हैं और इन दोनों की जोड़ी को बड़े पर्दे में एक साथ देखने के लिए सभी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। इन दोनों को साथ में लाने का श्रेय तो सिद्धार्थ आनंद को देना चाहिए, जो फिल्म को डायरेक्ट के साथ साथ प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। सिद्धार्थ आनंद की लास्ट मूवी वॉर थी, जिससे आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था और ये फिल्म 2019 की ब्लॉकबस्टर मूवी थी। फिल्म में एक्स इंडियन सोल्जर की कहानी होती है, जो देश के दुश्मनों को पकड़ने के लिए देशद्रोही बनता है और सबको चुप चुप कर मारता है। फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिल्म में एक्स सोल्जर को पकड़ने के लिए एक टीम तैयार की जाती है और उस टीम के मेंबर एक्स सोल्जर के स्टूडेंट रहते हैं। इस मूवी में सिद्धार्थ के काम को ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी बहुत बहुत पसंद किया है। अब बात करते हैं फिल्म में लीड रोल निभाने वाले एक्टर यानी कि ऋतिक रोशन की, जो फिल्म वॉर में भी लीड रोल का किरदार निभाते नजर आए थे। वैसे तो फाइटर ऋतिक और सिद्धार्थ की तीसरी मूवी होगी और इनके साथ में पहली मूवी बैंग बैंग थी, जो बॉक्स ऑफिस में पिट गई थी। फिर भी वॉर में दोबारा इनकी जोड़ी देखने को मिली थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाकेदार काम किया था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफी अच्छा रहा था। इन दोनों मूवीज में ऋतिक ने इंडियन सोल्जर्स का रोल निभाया था और लोगों को उनका रोल पसंद भी आया था। फाइटर के टीजर में ऋतिक का लुक तो नजर नहीं आया, लेकिन उनके डायलॉग से ये पूरी उम्मीद की जाती है कि शायद एक बार फिर से सोल्जर का रोल करते हुए नजर आ सकते हैं ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन अपने सुपर हीरो फ्रेंचाइजी की नेक्स्ट मूवी क्रिश 4 की शूटिंग भी जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल दीपिका पादुकोण करने वाली हैं और इस फिल्म में वो शायद एक्शन करती हुई नजर आएंगी या नहीं, इसका उत्तर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी सिद्धार्थ आनंद की फिल्म पठान में वो एक्शन करती हुई नजर जरूर आने वाली है। फिल्म पठान में उनके साथ SRK यानी कि शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम नजर आएंगे। दीपिका पादुकोण की लास्ट फिल्म छपाक थी, जो बॉक्स ऑफिस में सफल साबित नहीं हुई थी, लेकिन लक्ष्मी की कहानी ने सबको लड़कियों के साथ होने वाले एसिड अटैक के बारे में एक बार सोचने के लिए जरूर मजबूर कर दिया था। फिलहाल दीपिका ने फिल्म 83 की शूटिंग कंप्लीट करी है, जो कपिल देव की बायोपिक है। इस फिल्म में उन्होंने कपिल देव की वाइफ का रोल निभाया है। फिल्म में कपिल देव का रोल दीपिका के पति रणवीर सिंह निभा रहे हैं और शादी के बाद 83 इन दोनों की साथ में पहली मूवी होगी। फिल्म फाइटर मार्फ्लिक्स प्रोडक्शन हाउस में बनाने जा रहे हैं, जो 30 सितंबर 2022 को थिएटर्स में रिलीज होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और ये आपको वीडियो पसंद आया हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने व्यू जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं आपको अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की स्क्रिप्ट मुस्कान गुप्ता ने लिखी है।